हेलो दोस्तों, हमारे देसी आयुर्वेदिक टिप्स में स्वागत है। देखिए, आज आपको एक पौधा के बता रहा हूँ जो कि यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये फूल है, ये फल हुआ है। देखिए, इसको हम लोग देहात में सब्जी करके भी खाते हैं, और इसका जो बीज है बहुत गुणकारी है। देखिए, इसका कांड, ये पत्ता है, ये ऐसे करके इसमें लगता है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, फूल हुआ है, अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए ये फूल, ये छोटा छोटा फल हुआ है, अभी नहीं हुआ है। देखिए, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये ज़्यादातर बरसात में होता है, अपने आप उगता है। यहाँ और भी कुछ है तो खास इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हम लोग इसको गांव में, देहाती बोली चाली में इसको ताई बोलते हैं। इसको हम लोग पका के खाते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका बड़ा बड़ा फल होता है, और इसका बीज को हम लोग पका के भी चना जैसा खाते हैं, और इसका बहुत गुणकारी है। ये प्रोटीन विटामिन भरा हुआ है, खास ये पुरुषों के लिए बहुत फायदा है। अगर इसको आप इसका बीज को चूरन बनाओ या ऐसे ही पका के खाओ तो मर्दंगी बहुत बढ़ता है, और जो कि कम उसमें जौन संबंध में दुर्बल रहता है वो ठीक हो जाता है और ताकत हो जाता है। और ये खास करके हम लोग गांव में देहाती में तरकारी करके खाते हैं फल को। तो जो भी आप इसको मिलेगा पाएंगे तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो कोई दुर्बल है, इसका तरकारी भूंज के खाइए, बहुत जल्दी आपका ताकत वापस आ जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ, इसका बीज को थोड़ा भून करके उसको दाल जैसा बना लीजिए, और उसको आप पका के या चूरन बना के मिश्रे के साथ मिला के सुबह शाम दूध के साथ खाएंगे तो नमार्दी दूर हो जाएगा, और आपका मर्दंगी बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसके द्वारा जो निसंतान है उन लोग का भी लाभ होगा। तो इस छोटी से टिप्स के लिए आज के लिए इतना ही। फिर इसके बारे में दोबारा वीडियो में बताऊंगा, क्या कि हम लोग वीडियो भी इतना खास कर नहीं बना सकता हूँ, नया हूँ। तो आगे ज़रूर आप देखिए, आपको अच्छी तरह वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।